सिंधी संस्कृति सभ्यता त्योहार बनाए रखने के लिए सिंधी सखी विकास समिति अलवर की ओर से रविवार को दाऊदपुर कॉलोनी में सिंधी फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सिंधी सखी विकास समिति अध्यक्ष गीता साधवानी ने बताया कि सिंधी समाज के बच्चे युवा वर्ग अपने धर्म भाषा संस्कृति और सभ्यता से दूर हो रहे हैं। उनको अपनी जड़ों के पास लाने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। आजकल के समय में बच्चे फास्ट फूड की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। सिंधी बच्चों युवाओं को सिंधी व्यंजनों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। व्यंजन हर राज्य की विशेषता होती है, उससे संस्कृति की पहचान बनती है। व्यंजन हमारे त्योहारों से भी जुड़े होते हैं। विशेष पकवान का हमारे रीति रिवाज मौसम से संबंध है। यह एक कड़ी है। व्यंजन मौसम और त्योहार रिश्ते की बड़ी भूमिका निभाते हैं। फास्ट फूड के चलन से बच्चे आलसी और चिड़चिड़े और तनावग्रस्त हो रहे हैं। पैकेट बंद चीजों से बच्चों को ताकत नहीं मिलती है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं दादी नानी के हाथ के बने व्यंजन अब यह सुनाई नहीं देते। परिवारों को साथ में खाने का चलन भी खत्म हो रहा है, जो सोच विचारों पर गहरा असर डालते हैं। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि हमारा प्यार अपनापन आशीर्वाद खाने के जरिए बना रहे। हमारी संस्कृति सभ्यता त्योहार बनाए रखने के प्रयास में सिंधी सखी विकास समिति अलवर की ओर से फूड फेस्टिवल में सिंधी समाज के बच्चों और महिलाओं की ओर से करीबन 20 तरह के व्यंजन जैसे कढ़ी चावल, दाल पकवान, खोराक, कोकी, सेल फुलका, सेल भिंडी, बीह पटाटा, बाजरी मानी, रब, साई भाजी, पुलाव, मिट्टी सऊ, मिट्टी मानी, मिर्चाई पकोड़ा आदि व्यंजन बनाए गए। इन सभी मौसम एवं त्योहारों के अनुसार बनाए जाने वाले व्यंजनों के बारे में सभी को बताया गया। इस दौरान सिंधी व्यंजनों का सभी ने लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में सिंधी सखी विकास समिति अलवर अध्यक्ष गीता साधवानी, उपाध्यक्ष कोमल बोधवानी, सचिव नेहा रोगा, उप सचिव एकता कुकरेजा, कोषाध्यक्ष पिंकी भक्तानी, सदस्य बरखा दत्तवानी, जया लालवानी, जिया कोरजानी, भारती निहालानी, भाविका कटारिया, सुहाना बोधवानी, सोम्या चेलानी, हिमांशी साधवानी, सपना कोरजानी, सुनीता रामचंदानी, कोमल चतरानी, विद्या तीर्थानी, बीना कल्याणी, चारू बोधवानी, रिवु दनवानी ने व्यवस्थाओं को बनाए रखा।